नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। नेता वही है जो जनता के बीच में पहुंचता है, उनके सुख दुख सुनता है, उनकी समस्याओं को जानता है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नेताजी, और ऐसी ही नेता हमारे साथ हैं अमरलता सांगवान, जो तिमारपुर से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका लता जी। थैंक यू जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ये टोटल टीवी जो है पूरा देश भर के लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई जाती है। तो हमें इस आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी हाँ, सच्चाई हमारी प्राथमिकता है, हर खबर को प्रमुखता के साथ हम दिखाते भी हैं। नेताजी में अमरलता सांगवान रहेंगी आज हमारे साथ, इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं ये आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम नेताजी की। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नेताजी, आज हमारे साथ हैं तिमारपुर से कांग्रेस की उम्मीदवार अमरलता सांगवान, और जनता के बीच में कैसे पहुंच रही हैं, कितना काम कर रही हैं और कैसे आंकती हैं कांग्रेस को इस बार के इलेक्शंस में, तमाम बातें जानते हैं। लता जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका, और काम काज कैसा चल रहा है, तैयारियाँ कैसी हैं आपकी? तैयारी हमारी पूरी जोर शोर से चल रही है। हम सुबह उठकर सबसे पहले जनता के बीच में जाते हैं, वहाँ की देखते हैं कि क्या काम हम हो रहा है। जो हम पिछले 2 साल से जो मैं अपनी काउंसलर हूँ अपनी एरिया से, तो हम जनता के को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सबसे सुबह उठ के मेरा सबसे पहला रूटीन यही होता है कि मैं अपने क्षेत्र के सफाई कर्मचारी को कहाँ भेजना है, कहाँ कमी आ रही है, वो सब समस्याएं मैं दूर करती हूँ सबसे पहले। आपको बता दें कि अमरलता सांगवान जो हैं वो तिमारपुर वार्ड नंबर 12 से निगम पार्षद भी हैं और काफ़ी काम भी करती हैं इस इलाके के लिए। लता जी, क्योंकि लोग तो आपको जानते हैं, यहाँ की पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 12 से, यहाँ पर कितने काम किए आपने, क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके की? समस्याएं पहले बहुत ही हमारे इलाके में मेन प्रॉब्लम हमारी समस्या थी कि हमारे यहाँ कोई ढलाव नहीं था कूड़ा घर का। जो मैंने अभी यहाँ पे 80 लाख रुपए की लागत से मैंने एक कॉम्पैक्टर बनवाया है ताकि अपने क्षेत्र को कूड़ा मुक्त कर सकूँ। और हमारे यहाँ पे एमसीडी स्कूल की बहुत हालत खस्ता थी, जो उसके लिए मैं 11 करोड़ का एमसीडी से पास करवा के लाई हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसका अभी चुनाव के बाद जल्दी उसका कार्य शुरू हो जाएगा। और हमारे तिमारपुर में जितने भी मैंने 10 ओपन जिम लगवाए हैं, जितने हमारे पार्क हैं, मेरे ख्याल से किसी भी काउंसलर ने इतने जिम नहीं लगवाए होंगे। और मैंने 2.5 करोड़ की लागत से यहाँ पे हाई मार्क्स लाइट है, एलईडी लाइट हैं, बेंचेस हैं, पार्कों का सौंदर्यकरण है। हमारे यहाँ का कम्युनिटी सेंटर जिसकी हालत बहुत खस्ता हो रही थी, वो मैंने उसको सही करवाया है। ये हमारा हॉल है श्रीराम हॉल, ये हमारा पार्क है जिसमें बहुत सारे काम है जो हमने कम्प्लीट कराए हैं। लता जी, क्योंकि आप जनता के बीच में हैं, उनके लिए काम करती हैं, तो जाहिर सी बात है यही वजह होगी कांग्रेस ने आपको प्राथमिकता दी होगी, आपको इस मैदान में उतारा होगा चुनावी मुकाबले में, क्योंकि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की ओर से। कैसा महसूस हो रहा है और कितनी जिम्मेदारी आप महसूस कर रही हैं? अब जिम्मेदारियाँ हमारी बढ़ जाएंगी और भी ज़्यादा, क्योंकि पहले थोड़ा क्षेत्र था, खाली मेरा वार्ड था तिमारपुर, लेकिन अब पूरी विधानसभा हमारे उसमें आएगी एमएलए के उसमें। मैं जब ये जीत जाऊँगी, हमारी सबसे प्राथमिकता ये रही कि हमारा जो पूरे विधानसभा की जितनी भी रोड है, जितनी भी सड़कें हैं, सब टूटी पड़ी हुई हैं। पिछले 5 साल से जो यहाँ का विधायक था उसने कोई काम नहीं किया। सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने रोड का सुधारीकरण कराऊंगी। और हमारे यहाँ पे पानी की सबसे मेन समस्या है पूरे विधानसभा में, सोनिया विहार तक गंगा का पानी आया हुआ है। तो हमारी प्राथमिकता रही कि मैं वहाँ से 1200 मीटर खाली पाइप का एक कनेक्शन वहाँ से जोड़ना है, वो मैं वहाँ लेके आऊँगी और पूरे विधानसभा में गंगा का पानी यहाँ पे कराऊँगी मैं। तिमारपुर वो विधानसभा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनऑथराइज कॉलोनी है, लता जी शायद मैं सही हूँ? अनऑथराइज कॉलोनी हमारे एरिया में एक आती है, जिसमें अभी बीजेपी ने बोला कि वो कॉलोनी पास हो गई है, जबकि वो कॉलोनी पास नहीं हुई, क्योंकि धारा 7 ही लगी हुई है वहाँ पे, हाई टेंशन तार जो ऊपर से जा रही है, जब तक वो तार नहीं हटेगी वो कॉलोनी पास नहीं होगी। तो मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी सबसे पहले मैं वहाँ से हाई टेंशन तार हटवाऊँ अपनी अनऑथराइज कॉलोनी से। यहाँ के लोगों से भी हम आते वक्त बात कर रहे थे लता जी, और लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ी विधानसभा में से एक है ये, लेकिन यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ पार्क नहीं है, सीवरेज सिस्टम की बहुत समस्या है, ज़रा भी बारिश होती है तो सीवरेज सिस्टम जो है लोगों को परेशान, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है पूरे विधानसभा का। तो हमारी ये भी प्राथमिकता है कि मैं सबसे पहले सीवर सिस्टम ठीक करवाऊँगी, क्योंकि 15 साल से यहाँ पर कोई काम मतलब हुए भी नहीं है सीवर सिस्टम का काम, और बहुत सारी समस्याएँ हैं क्षेत्र में जो हम करवाएंगे अपने जीतने के बाद।
लता जी, क्या लगता है जनता को आपसे कितनी उम्मीदें होंगी, क्योंकि बतौर पार्षद भी आप काफ़ी काम कर रही हैं, जनता के साथ एक कनेक्शन भी है आपका, आपको लगता है कि जनता के साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है किसी भी नेता की? एक तो मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते एक महिला ही महिला को अपनी अपनी प्रॉब्लम बता सकती है, तो मेरी भी ये रहेगा कि मैं जनता के बीच में जाऊँ, महिलाओं की समस्या सुनूँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कराऊँ। ये इस समय हम जिस पार्क में हैं, ये पार्क भी अमरलता सांगवान जी ने बनवाया है और काफ़ी अच्छा रख रखाव भी है। आते वक्त बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी देखी अमरलता जी, जहाँ पर वो काम जो है वो आपने करवाए हैं जी। यहाँ पे तिमारपुर में बहुत सारी समस्याएं थी, ये पार्क बिल्कुल, इनकी दुर्दशा बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने आके यह पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाया। पार्कों में लाइट्स वगैरह नहीं, हाई मार्क्स लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत डार्क प्लेसेस थे, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ पे सारे बहुत सारी हाई मार्क्स लाइट, 400 LED लाइट, 200 बेंचेस, जो बुजुर्ग हमारे पार्कों में आके बैठते हैं कोई स्थान नहीं था उनके बैठने के लिए, बहुत सारी समस्याएं थी हमने यहाँ करवाई हैं। लता जी, आप देख रही हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में है, बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, कांग्रेस को आप कितना आंक रही हैं, कैसे आंक? मैं तो इस टाइम कांग्रेस को पहले नंबर पे आंक रही हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल में केजरीवाल की सरकार में इन्होंने खाली झूठ बोलने की राजनीति की है, जुमलों की राजनीति की है, और इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किए। बिजली फ्री और पानी फ्री तो कह रहे हैं हम दे रहे हैं जनता को, लेकिन ये खाली 31 मार्च तक ही है, इसके बाद डबल चार्जेस लग के आएंगे। अभी भी बिजली के बिल भी, अभी भी देखो आप किसी से जाके पूछो, बहुत बिजली के बिल भी अभी डबल आके आ रहे हैं। पानी कहते हैं कि पानी हमने फ्री कर दिया, पानी कहाँ से फ्री कर दिया, इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप जाके देखो पानी पी नहीं सकते। इतने सारे लोगों ने वाटर प्लांट लगा रखे हैं यहाँ पे, लोग सारे पानी वहाँ का पानी पी रहे हैं, पानी का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारी संजय बस्ती है, यहाँ पे जाके देखो पानी के कह रहे हैं कि हमने पानी के कनेक्शन लगा दिए, यहाँ पे पानी की लाइनें ही नहीं है, लोग पानी के लिए रो रहे हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। कौन सी झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार को देख लो, हमारे यहाँ जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने 6 साल हो गए उनके कार्यकाल के, अभी तक वहाँ पे लोगों ने किसी को देखा ही नहीं है। उनका जो काम है उन्होंने अभी तक तो कोई काम ही अपने एरिया में करवाया ही नहीं है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं कि लोगों की उम्मीद सिर्फ कांग्रेस से ही है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो सारे काम शीला दीक्षित जी की सरकार के टाइम पे ही हुए थे, कांग्रेस के टाइम पे ही हुए थे, तो अब लोगों को उम्मीद है कि हम कांग्रेस से ही बहुत उम्मीद है अब लोगों की, कांग्रेस आएगी तो लोगों को दिल्ली सरकार में पेंशन योजना थी इतनी सारे सब बंद पड़ी हुई, लाडली योजना थी जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे थी, ये सारी योजनाएं भी बंद पड़ी हुई हैं। और हमारी तरफ से हमारा, मैं एक NGO भी चलाती हूँ, तो हम 15-16 साल से हमारी दो योजनाएं हैं कि 15-16 साल से मैं कंबल वितरण बुजुर्गों का सम्मान हम करते हैं, और राशन हम जो हमारे गरीब विधवाएं महिलाएं हैं उनको राशन वितरण करते हैं फ्री में। तो ये लता जी का एक और पक्ष है कि राजनीति के अलावा ये समाज सेविका भी हैं, समाज के लिए काफ़ी काम भी करती हैं, ख़ासतौर पर आप विडोज़ के लिए बहुत काम कर जी, क्योंकि हमारे वार्ड में या गरीब जो विधवाएं हैं जो उनको राशन मिल नहीं रहा, क्योंकि राशन कार्ड ही नहीं बन रहे हैं, और यहाँ पे राशन दफ्तर में जाओ तो उन लोगों को बेचारों को यहाँ से भगा देते हैं कि राशन नहीं है, पता नहीं राशन कहाँ पे जा रहा है, कि कालाबाजारी हो रही है। जितनी भी गरीब विधवाएं महिलाएं हैं, तो हमने सोचा कि अपने वार्ड में अपने विधानसभा में जो 3-4-2.5 हज़ार हमारी विधवा महिलाएं हैं, तो हमने ये योजना बनाई कि गरीब विधवाओं को हम राशन फ्री वितरण करेंगे। आपको लगता है सेवा करेंगी तो आपको मेवा मिलेगा, फल मिलेगा? सेवा तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो फल की इच्छा तो ये तो भगवान के ऊपर है कि फल भगवान दे रहा है हमें। तिमारपुर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमरलता सांगवान, और उनके सामने दो बड़े चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हैं और बीजेपी से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हैं, दो बड़े चेहरे आपके सामने अमरलता जी। जो दिलीप पांडे हैं आम आदमी पार्टी से हैं, ये तो पैराशूट से उतर के आए हैं कि उनको एरिया के बारे में कुछ पता नहीं है, इस एरिया में वो रहते भी नहीं है। और बीजेपी से जो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी हैं, वो तो कभी कांग्रेस में कभी इंडिपेंडेंट लड़े थे, और उसके बाद पहले BSP में चले गए, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आने के बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए, आम पार्टी से फिर कांग्रेस में आए, और फिर अब सत्ता के लिए, सत्ता के क्योंकि लालची हैं कि उनको सत्ता चाहिए किसी भी तरीके से, तो वो अब उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली, BJP सी टिकट लेके आए हैं। लेकिन दुनिया जो जनता है यहाँ की सब समझती है कि ये क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना विश्वास मुझ पर जताते हुए, क्योंकि मैं पंजाबी भी हूँ, क्योंकि हमारे दो जो वार्ड हैं वो पंजाबी एरिया है, पूरी पंजाबी कम्युनिटी है वहाँ पे, तो इसलिए पार्टी ने मुझे अपना विश्वास दिला दिया क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ का टिकट दिया है। और क्षेत्र की जनता को भी पता है कि मैं अपने अपने वार्ड में मैंने कितना काम किया है,
जब मैं अपने वार्ड में इतना काम कर सकती हूँ तो मेरे सामने 3 वार्ड मेरे और हैं, तो मैं कितना काम वहाँ पे जाके और करूँगी। एक वार्ड हमारा मलकागंज है जहाँ पे हमारी काउंसलर है गुड्डी देवी हैं, जो उन्होंने अपने एरिया में बहुत काम किया है। तो कांग्रेस ने अपने दोनों वार्ड में हमारा बहुत काम हुआ है, तो उसकी वजह से भी कांग्रेस पार्टी ने हम पे विश्वास जता के हमें टिकट दी है। लता जी कह रही हैं इन्होंने काम किया है और इनके काम की वजह से ही पार्टी ने इनको प्राथमिकता दी है और तिमारपुर से ये कांग्रेस का चेहरा है। और कह रही हैं कि दिलीप पांडे की जहाँ तक बात है, दिलीप पांडे एक पैराशूट कैंडिडेट हैं, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो हैं वो सत्ता के लालची हैं, लता जी का ये कहना है। लता जी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कैसे कर रही हैं, शुरुआत आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, दिन भर क्या दिनचर्या रहती है? सबसे पहले हम सुबह उठ के सब जनता के बीच में जाते हैं, जनता की क्या समस्याएं आ रही हैं उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। बस जो जनता है हमारे यहाँ की एरिया की, वो सुबह से ही उनको उम्मीद सिर्फ हमसे ही है, तो हमें ही वो सुबह उठ के कॉल वगैरह करते हैं कि मैडम ये समस्या आ रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार की कोई प्रॉब्लम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उनको सिर्फ अमरलता सांगवान ही दिखाई देती है कि वही एक जो महिला है जो हमारा काम पूरा कर सकती हैं। तो इसलिए हम जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख के उनको दूर करते हैं। हमारी सबसे पहले यही है कि हम जनता के लिए काम करें। ऐसे 5 काम जो कि अमरलता सांगवान अगर तिमारपुर से जीतती हैं, क्षेत्र की जनता के लिए वो काम करना चाहेंगी, आप प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले तो हमारे जो पूरे विधानसभा में रोड वगैरह सारी टूटी हुई हैं क्योंकि काम नहीं हुआ वहाँ पे, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं सारे रोड जो हैं उनको बनवाऊँ। और अपने विधानसभा में मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं चाहती हूँ कि पानी इतना गंदा आता है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो क्यों ना मैं अपने विधानसभा में जीतने के बाद गंगा का पानी यहाँ पे लेके आऊँ, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है, बस सोनिया व्यार का पुस्ता है वहाँ से ही हमें मुझे थोड़ा सा ही पाइप का कनेक्शन वहाँ पर लेके आना है ताकि साफ पानी मेरे विधानसभा में मिल सके लोगों को। और एक हमारे वजीराबाद में स्कूल की बहुत समस्या है क्योंकि 12वीं क्लास का स्कूल नहीं है हमारे एरिया में, तो छोटे बच्चे सारे यहाँ इस तरफ उनको रोड क्रॉस करके आना पड़ता है, तो मैं चाहूँगी कि मैं सबसे पहले 12वीं क्लास का स्कूल अपने एरिया में बनाऊँ। और हमारे यहाँ पे पार्क की भी बहुत समस्या है क्योंकि सब लोग मुझे कहते हैं कि पार्क मैडम पार्क आप बनवा के दो, तो अभी तक तो समस्या आ रही थी कि दिल्ली सरकार के पास सारी लैंड है, जो फ्लड एरिया जो है वो सारा दिल्ली सरकार के पास है, हमारे आने के बाद ये सब हमारे अंडर में आएगा, तो मैं सबसे पहले वहाँ पार्क भी बनवाऊंगी। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है अमरलता जी कि आप ऐसी पहली महिला पार्षद जिन्होंने 10 ओपन जिम बनाए अपने विधान की। मैंने अपने वार्ड में 10 ओपन जिम शायद ही किसी वार्ड में होंगे, मैंने इसी वार्ड में 10 ओपन जिम लगवाए हैं। तो जब जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि हम जितने भी और भी पार्क हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे दिल्ली सरकार के हों, सब पार्कों में ओपन जिम हम लगवा के देंगे। आपको लगता है लता जी कि जिस तरह की राजनीति आजकल हो रही है, फ्री की राजनीति, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे तो और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, फ्री सुविधाएं जनता तक पहुंचाने वाले हैं, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो भी देगी हम उसका 5 गुना ज़्यादा देंगे, आपको लगता है इस तरह की राजनीति से जनता अट्रैक्ट होती है? जनता वैसे सब समझती है कि फ्री की राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, फ्री की राजनीति तो एक जुमलेबाजी झूठ बोल के ही ये खाली चुनावी स्टंट है कि इसमें जीतने के बाद ये सब कुछ सब जो फ्री दे रहे हैं ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन ये है कि हमारी अगर सरकार आती है तो जो पेंशन महिलाओं को 2500 रुपये मिलती है, हमारी सरकार आने के बाद हम ये 5000 इसकी पेंशन का अमाउंट बढ़ा देंगे इसका। और बिजली जो फ्री कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे रही थी, हमारी सरकार आने के बाद हम 600 यूनिट सुभाषोपड़ा जी ने बोला कि हम 600 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और छोटे दुकानदारों को 200 यूनिट फ्री मिलेगी, और जिनके जो किसान वगैरह हैं उनके जो ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं उसको हम बिजली फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह से वो बिजली पानी को लेकर जनता के बीच में सुविधाएं देने की बात करती हैं, अब कांग्रेस और बीजेपी भी उससे सीख रही है और वही फ्री सुविधाएं वो भी देने का जिक्र करती है जनता के बीच में जाकर। नहीं नहीं, पानी की समस्या ही तो ये केजरीवाल जब से दिल्ली में आए इसने कर दिया, पानी फ्री बिजली फ्री, पानी फ्री बिजली फ्री तो कांग्रेस के टाइम से ही थी, कांग्रेस के टाइम में कभी भी किसी ने पानी हमेशा कांग्रेस ही लेके आई थी और बिजली भी कांग्रेस ही लेके आई थी, तो उस टाइम तो इतने चार्जेस आते भी नहीं थे ना बिजली के, पानी तो हमेशा फ्री पिया लोगों ने। अब कांग्रेस कह रही है कि 20,000 लीटर पानी हम फ्री देंगे और कैशबैक भी देंगे जो लोग पानी बचाएं। 20,000 लीटर जो कहते हैं कि फ्री में पानी दे दिया, तो उसके ऊपर भी अगर लोग अगर पानी बचाएंगे तो उसमें 30 पैसे प्रति लीटर उस पानी को अगर लोग उसका कैशबैक हम आएगा पार्टी उसके अकाउंट में आएगा। बुजुर्गों के लिए आपके पास योजना है कि आप पेंशन देंगे उनको 5100, आप बिजली कह रहे हैं कि हम बिजली भी फ्री देंगे छोटे उद्योगों को, हम पानी की भी बात कर रहे हैं,
युवाओं के लिए क्या क्या आपके पास स्ट्रैटेजी है, युवाओं के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस टाइम जो केजरीवाल जी ने बोला है कि हम बिजली फ्री पानी फ्री कर रहे, तुम युवाओं को जो इतने बेरोजगार युवा जो बैठे हैं उनको नौकरी दो ना है। बसों में तुमने लेडीज़ के लिए फ्री दे, तुम महिलाओं को रोजगार दो, इतनी महिलाएं यहाँ घर में खाली बैठी हुई हैं उनको रोजगार दो। तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को सबसे पहले नौकरी देंगे। और जितनी भी टीचर्स हैं, जो गेस्ट टीचर थी, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं आने के बाद मैं इनको गेस्ट टीचर को पक्का कर दूंगा, लेकिन वो अभी तक पक्का नहीं हुई है। और केजरीवाल की सरकार जब से आई है एमसीडी में बहुत प्रॉब्लम है। शीला जी के टाइम पे बिल्कुल भी इसमें ये समस्या नहीं थी, वो क्योंकि केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती है, इस चीज़ की वजह से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं एमसीडी के, वो तीन तीन चार चार महीने तक उनको सैलरी नहीं मिलती है, बेचारे अपना घर खर्च कैसे चलाते हैं, फंड नहीं मिल रहा। हम लोगों को इतनी समस्या आती है कि जो एमसीडी में फ़ंड नहीं है, सबसे मेन प्रॉब्लम है कि एमसीडी में फ़ंड नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार रिलीज़ नहीं करती है फंड, हम लोग को फंड नहीं मिलता। हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आ रही है कि हम कोई काम नहीं करवा पाते। मैं काउंसलर हूँ, मुझे 25 लाख का खाली फ़ंड मिलता है साल का, तो उसमें तो मैं कोई काम नहीं करवा सकती। अगर हमारे यहाँ से एमएलए था पंकज पुष्कर, उसने अगर कुछ काम किया होता या हमें कुछ फ़ंड दिया होता तो हम और भी ज़्यादा काम करवाते अपने वार्ड में। अमरलता सांगवान, चूँकि प्राथमिकताएं आपने बहुत सारी बताई और आपने बार बार जिक्र किया शीला सरकार का या शीला दीक्षित के चेहरे का, आपको लगता है कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल समय है, क्योंकि आप लोग लोकसभा में नहीं हैं, आप लोग विधानसभा में नहीं हैं, संगठन आपका काफ़ी कमज़ोर हुआ और शीला दीक्षित जैसा बड़ा चेहरा अब आपके पास नहीं है? हाँ, शीला जी है नहीं इस टाइम हमारे उसमें कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनके जो काम हैं, उनके काम जो कि उन्होंने किए हैं 15 साल में, वही हमें सब लोगों को मालूम है कि शीला जी की सरकार में काम हुए थे। इस टाइम सुभाष चोपड़ा जी हमारे अध्यक्ष हैं और वो भी बहुत प्रबल दावे वो प्रबल हैं बिल्कुल कांग्रेस के। तो कांग्रेस पार्टी शीला जी के जो काम उन्होंने किए हुए हैं वही काम आगे भी करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो लोगों को पता है, उम्मीद है कांग्रेस सरकार से कि कांग्रेस सरकार आएगी तो फिर हमें हमारे जो बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं वो सारे काम हमारे होंगे। आपको लगता है कि क्योंकि चेहरा भी सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल का चेहरा है तो बीजेपी मोदी ब्रांड को प्रोजेक्ट कर रही है, आप लोग किसको फोकस कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो जानना चाहते हैं कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। सुभाष चोपड़ा जी हमारे बहुत पुराने और कांग्रेस के बहुत ही एक स्तंभ हैं, समझो तो शायद कांग्रेस पार्टी उन्हीं का चेहरा सामने लेके आएंगी। लोकसभा चुनाव में लता जी कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, 5 सीटें ऐसी थीं जहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, महाराष्ट्र में और झारखंड में गठबंधन में आप लोग आए हैं सरकार बने। आपको लगता है कि चीज़ें किसी भी पार्टी के लिए उत्साहवर्धक होती हैं, उत्साह एक स्पार्क दोबारा कांग्रेस में आया? हाँ, कांग्रेस में जो और दूसरे स्टेट में भी कांग्रेस अभी जो आई है नंबर वन पे, अभी जो बने हैं महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, पंजाब में भी हमारी सरकार है, तो उससे कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत एक उत्साह है, जोश है कि हाँ हमारी कांग्रेस पार्टी अब दोबारा आ रही है सत्ता में दोबारा से। अमरलता सांगवान किस तरह से इलेक्शंस को देख रही हैं, किस मजबूती के साथ जनता के बीच में जा रही हैं और क्या लग रहा है आपको अपनी जीत के प्रति, आप कितनी आश्वस्त? जीत तो खैर कांग्रेस पार्टी से हमने अपना विश्वास जताया तो जीत तो हमारी ही होगी, क्योंकि जनता लोग देखते हैं कि जनता भी देखती है कि कौन काम करने वाला है और कौन सत्ता का लालची है, और ये जो बाहर से पैराशूट से आया है वो कितना यहाँ पे रहेगा, क्योंकि पहले भी जो हमारा आम आदमी पार्टी से था कौन एमएलए वो भी बाहर से ही आया था, तो जनता के बीच में बिल्कुल रहा ही नहीं था वो। तो जनता है, मैं क्योंकि इसी वार्ड की यहाँ इसी से रहने वाली हूँ, इसी लोगों को मालूम है कि मैंने यहाँ कितने काम किए हैं, तो जनता को उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है, कांग्रेस ने हमेशा से काम करती आई है, तो सब लोग उम्मीद हम लोगों से ही हमसे ही है। 15 साल कांग्रेस रही दिल्ली की सत्ता में और महज अभी 6 साल का फासला, आपको लगता है कि 6 साल का जो गैप है वो भरना मुश्किल नहीं है? कांग्रेस अगर जोश के साथ उतरे मैदान में तो अच्छा कर सके। बिल्कुल, कांग्रेस पूरे जोश के साथ सारे कार्यकर्ता हमारे अपने मिल के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसा दिन दूर नहीं है कि हम कांग्रेस फिर दोबारा से सत्ता में आ जाए। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की नींव होते हैं लता जी, आपके बहुत सारे कार्यकर्ता हमने देखे रास्ते में, आपके साथ भी थे, आप कैसे उनमें जोश भरती हैं, किस तरह वो आपके साथ मिलजुल कर काम? सर, कार्यकर्ता मेरे जो जितने भी हैं हमारे, तो पूरे जोश के साथ हमारे साथ काम करते हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे हम लोग जो है काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी ही है जो काम करती है ये, और आगे भी काम करती जाएगी। तो कार्यकर्ताओं में भी ये जोश है कि हम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि कितना हम काम कर रहे हैं, तो इस वजह से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
लता जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप बहुत अच्छा करें, जनता के बीच में आप लगातार जा रही हैं, पैट भी हैं, शुभकामनाएं आपको बहुत हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपके चैनल के माध्यम से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरा जानकारी हासिल करी, धन्यवाद। तो अमरलता सांगवान जी हैं, तिमारपुर से कांग्रेस का चेहरा हैं, तिमारपुर के वार्ड नंबर 12 से निगम पार्षद भी हैं और ये कह रही हैं कि जनता के बीच में लगातार वो काम करती हैं, जनता के साथ जुड़ाव है और यही जो सेवा है उसका मेवा भी उन्हें मिलेगा। कांग्रेस का वो चेहरा हैं, उनके सामने दो दिग्गज चेहरे दिलीप पांडे हैं, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि जनता उनको जानती है, सराहती है, उनके कामों को पहचानती है। बहरहाल आप देख रहे थे कार्यक्रम नेताजी, हम अंतराल के रुक रहे हैं लेकिन खबरों का सिलसिला टोटल न्यूज़ पर लगातार जारी है।